नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया है कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से अब आपका केसीसी लोन मात्र 3 महीने में ही एनपीए हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब आपका केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन सिर्फ 3 महीने में ही एनपीए हो जाएगा और अब आपको 3% की सब्सिडी का लाभ भी नहीं मिलेगा और आपको जो ब्याज दर होती है वो 7% की जगह आपको 12.5% या फिर 13.5% पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपकी मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से आपके साथ ही समस्या होती है। आपको ना ही सब्सिडी मिलती है और ना ही आपको 7% ब्याज पर ये लोन मिल पाता है। फिर आप लोग हमारे वीडियो में आकर के कमेंट करते हैं कि सर, हमने 1 साल के अंदर ही अपने केसीसी खाते का पलटा किया था, हमने टाइम से अपने केसीसी को जमा किया, टाइम से हमने खाते का रोल ओवर किया, लेकिन हमें सब्सिडी का लाभ नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? हमारा लोन भी 3 लाख से नीचे था, हमने टाइम से पे भी किया, लेकिन हमें केसीसी के सब्सिडी का लाभ नहीं मिला। बैंक ने हमसे 9% ब्याज लिया, बैंक ने हमसे 12% ब्याज लिया, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती जिसकी वजह से आपके साथ ही परेशानियां होती हैं, ना ही आपको बैंक सब्सिडी दे पाती है और ना ही आपको 7% ब्याज दर पर ये लोन मिल पाता है। आपको 12.5% या फिर 13.5% ब्याज देना होता है और गलती आपकी मात्र एक छोटी सी होती है। फिर आपका भले ही आपने कल वो टर्नओवर किया हो, कल ही आपने खाते का आपने पलटा किया हो, कल ही आपने अपने खाते का रोल ओवर किया हो या फिर पूरा खाता जमा किया हो, लेकिन अगर आप नेक्स्ट डे ये गलती कर जाते हैं तब भी आपका केसीसी खाता एनपीए हो जाएगा। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आप लोग भी इस छोटी सी गलती को आगे से नहीं करेंगे और अगर आप इस गलती को करना बंद कर देते हैं तो आपको प्रतिवर्ष 3% की सब्सिडी भी मिलेगी और आपको कुल 4% ब्याज ही देना होगा सिर्फ 3 लाख तक के लोन पर। आपका लोन 3 लाख से ऊपर का है तो उसके ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पर आपको ज्यादा ब्याज देना होगा, लेकिन 3 लाख तक के अमाउंट पर आपको कुल 4% ब्याज ही वार्षिक देना होगा और उसके साथ में आपको प्रतिवर्ष 3% की सब्सिडी भी मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को वो गलती बताएं कि किस एक गलती की वजह से आपके साथ ये समस्या होती है, आपका केसीसी खाता नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है जिससे आपको 13.5% या फिर 12.5% ब्याज देना होता है, साथ ही सब्सिडी भी नहीं मिलती है। उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जैसे हम कोई दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने पिछले केसीसी के सभी वीडियो में जानकारी दे चुका हूं कि केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के लोन का जो रिपेमेंट टाइम होता है वो 1 वर्ष का होता है, यानी आपने जो भी पैसा निकाला उसे आप अगर 1 वर्ष के अंदर पूरा ब्याज समय जमा कर देते हैं या फिर रोल ओवर कर देते हैं यानी पलटी कर देते हैं, टर्नओवर कर देते हैं, तब भी आपका खाता सही रहता है, आपका खाता एनपीए नहीं होता है, आपको 3% की सब्सिडी भी मिल जाती है और आपको 3 लाख तक के लोन पर सिर्फ 4% ब्याज ही देना होता है। लेकिन एक गलती आपकी जिसकी वजह से ना ही आपको सब्सिडी मिलती है, फिर चाहे आपने रोल ओवर पिछले दिन किया हो या फिर पिछले महीने किया हो या फिर आपने आज ही रोल ओवर किया हो, उस एक गलती की वजह से आपका केसीसी खाता भी खराब हो जाता है और वो खाता एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है, जिसकी वजह से ना ही आपको सब्सिडी का लाभ मिलता है और ना ही आपको कम ब्याज पर ये बैंक लोन दे पाता है। आपको 12.5% 13.5% ब्याज भी देना होता है, साथ ही आपको सब्सिडी भी नहीं मिलती है। तो वो गलती मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप सभी को पता है, मैंने पिछले वीडियो में बता भी रखा है कि केसीसी लोन 2.5 से 3 वर्ष में एनपीए होता है, उससे पहले एनपीए नहीं होता है। हाँ, अगर आप 1 वर्ष के अंदर जमा नहीं करते हैं तो ब्याज की दर अवश्य बढ़ जाती है, आपको सब्सिडी नहीं मिलती है अगर आप 1 वर्ष के अंदर जमा नहीं करते हैं तो ब्याज दर 7% हो जाती है, तो इसी तरह से फिर 9.5% हो जाती है, फिर 10.5% हो जाती है। लेकिन आपका केसीसी खाता एनपीए 2.5 से 3 साल में होता है, उससे पहले नहीं होता है। लेकिन एक छोटी सी गलती से आपका केसीसी खाता 3 महीने में ही एनपीए हो जाता है, ब्याज दर 3 गुने 4 गुने हो जाती है और सब्सिडी का लाभ भी नहीं मिलता है। तो वो गलती मैं आपको बता देता हूं कि आखिर वो कौन सी गलती है जो किसान करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गलती ये है कि मान लीजिए आपका केसीसी जिस भी बैंक में बना हुआ है, जिस बैंक का आपका केसीसी है, अगर उसी बैंक में आपने कोई भी टर्म लोन ले रखा है, किसी प्रकार का आपने कोई लोन ले रखा है, चाहे वो बाइक का लोन हो या फिर पशुपालन का लोन हो या फिर अन्य कोई भी लोन हो जो इंस्टॉलमेंट वाला लोन होता है, फिर या चाहे वो मुद्रा लोन हो, आपने किसी व्यवसाय के लिए ले रखा हो या फिर आपने किसी भी पर्पज के लिए कोई अगर ऐसा लोन ले रखा है, चाहे वो होम लोन हो, कुल मिलाकर के अगर आपने कोई भी टर्म लोन ले रखा है जिसकी आपको मंथली ईएमआई देनी होती है उसी बैंक में, तो दोस्तों आपका उसी बैंक में केसीसी है और फिर वो अमाउंट उसका चाहे 10,000 रुपए का हो या फिर 10 लाख रुपए का हो, आपने जो दूसरा लोन उसी बैंक से ले रखा है। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपका कोई एक लोन है जिसकी ईएमआई मान लीजिए चाहे वो 500 हो या 1,000 हो या 2,000 हो या 10,000 हो, आप उसकी अगर आप लगातार 3 ईएमआई यानी 3 इंस्टॉलमेंट मिस करते हैं अपने दूसरे वाले लोन की, आपने केसीसी का पलटा कल किया है, केसीसी खाता आपने कल ही अपना सही किया है, कल ही उसका रोल ओवर किया है,
लेकिन आज आपकी ईएमआई की ड्यू है, आज डेट है, तो आपने अपनी ईएमआई की डेट पर ईएमआई पे नहीं की और आपने लगातार अपनी 3 ईएमआई को मिस कर दिया। लगातार आपने 90 दिन तक 3 ईएमआई मिस कर दी, आपने तीनों ईएमआई नहीं डाली। उसका परिणाम यह होगा कि आपका जो टर्म लोन है वो 3 महीने में ही एनपीए हो जाता है। मैं इस पर पिछले कई वीडियो बना चुका हूं, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि जो टर्म लोन होता है अगर आप उसकी 3 इंस्टॉलमेंट लगातार मिस करते हैं तो आपका वो लोन खाता एनपीए हो जाता है। अब क्या होगा कि आपका जैसे ही ये टर्म लोन, भले ये 10,000 रुपए का लोन हो, जैसे ही ये एनपीए होगा तो इसकी ब्याज दर बढ़ जाएगी, ये एनपीए हो जाएगा। और एक ही कस्टमर आईडी से आपके सभी लोन अकाउंट होते हैं और सभी सेविंग अकाउंट होते हैं, सभी एफडी अकाउंट होते हैं। यानी कस्टमर आईडी एक बैंक में सिर्फ एक ही बनाई जाती है, एक ग्राहक की। उसी एक कस्टमर आईडी से सभी अकाउंट आपके ओपन किए जाते हैं। फिर चाहे आपका केसीसी हो, या फिर आपने एफडी कराई हो, या फिर आपका सेविंग अकाउंट हो, या फिर आपने और कोई लोन ले रखा हो, कुल मिलाकर के आपके उस बैंक में जितने भी अकाउंट हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, या फिर एफडी अकाउंट हो, या फिर आरडी अकाउंट हो, या फिर लोन अकाउंट हो, आपकी कस्टमर आईडी एक ही रहेगी। मैंने आपको बताया कि एक ग्राहक की एक ही कस्टमर आईडी उस बैंक में होती है। अब होता क्या है कि आपका जो लोन अकाउंट एनपीए हुआ है तो वो आपके जितने भी लोन होंगे उन सबको एनपीए कर देगा, क्योंकि कस्टमर आईडी सीधे एनपीए होती है। अकाउंट एनपीए नहीं होता, कस्टमर आईडी एनपीए होती है। तो जब आपकी कस्टमर आईडी एनपीए हो जाएगी तो आपका केसीसी लोन भी एनपीए हो जाएगा, भले ही आपने अपने केसीसी खाते का पलटा कल ही किया हो या पिछले महीने किया हो। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आप 3 ईएमआई लगातार मिस करेंगे, अब इसका परिणाम यह होगा कि मान लीजिए आपने जो आपका टर्म लोन है उसकी 3 ईएमआई आपने मिस की, आपका वो लोन खाता एनपीए हुआ, उसके बाद बैंक ने आपको नोटिस किया, आपने उसका जो भी ओवरड्यू अमाउंट है यानी जो भी 3 महीने के इंस्टॉलमेंट है आपने डाल दी, तो आपका वो लोन खाता सही हो गया, यानी आपका जो टर्म लोन है वो सही हो गया, उसकी ब्याज दर सामान्य हो गई, एनपीए से बाहर हो गया। तो आपका जो केसीसी खाता है वो एनपीए से बाहर नहीं होगा, यानी बाहर तो हो जाएगा, सिस्टम पर उनको नहीं दिखाएगा कि आपका कोई भी लोन एनपीए है, लेकिन अब इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपका जो केसीसी खाता एक बार एनपीए हो चुका है, अब इसका जब तक आप रोल ओवर नहीं करेंगे एनपीए होने के बाद, क्योंकि आपने टर्म लोन की ईएमआई डाल करके आपने उसे तो सही कर लिया, लेकिन अभी तक केसीसी खाता भी एनपीए आपका शो कर रहा था, और जैसे आपने उसको सही किया तो ये भी सही दिखाने लगा, लेकिन सही हुआ नहीं है। अब आपको क्या करना है, अपने इस केसीसी खाते को रिन्यूअल करना होगा। आप इसमें एक बार जो भी पैसा बकाया है पूरा एक दिन के लिए जमा करिए, अगले दिन विड्रॉल करिए, या फिर अगर आपकी बैंक ब्याज भर के पैसे में टर्नओवर कर देती है तो आप टर्नओवर कराइए। जब तक आप इसका टर्नओवर नहीं कराएंगे आपको अगले वर्ष सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा, और आपके ऊपर जो ब्याज की दर है वो तो पहले ही बढ़ चुकी है। जैसे ही आपका वो टर्म लोन एनपीए हुआ था वैसे ही आपका केसीसी एनपीए हो गया था, तो केसीसी की ब्याज दर भी बढ़ चुकी है। जो सामान्य ब्याज दर थी 7%, अब वो चार्ज नहीं हो रही केसीसी खाते में, 12%, 12.5% या फिर 13% ब्याज आपके केसीसी खाते में चार्ज हो रहा है। तो इसलिए आप लोग आकर के कमेंट करते हैं कि सर मुझे सब्सिडी का लाभ नहीं मिला, इन्हीं गलतियों की वजह से। ये आपकी एक बहुत छोटी सी गलती है, लेकिन अगर आप इसका रोल ओवर नहीं करेंगे अपने केसीसी खाते का तो फिर आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। जब आप अगले नेक्स्ट ईयर अपने केसीसी खाते का रोल ओवर करेंगे तब जाके अगले वर्ष अगर आपका खाता सही रहा तब अगले वर्ष आपको सब्सिडी मिलेगी, लेकिन इस वर्ष के ब्याज में सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी, साथ ही आपको ज्यादा ब्याज भी देना होगा। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी, अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चलो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।